सब है सब। अच्छा पूरा चीज़ अच्छी। पुरानी वाली कदर देखी आपने? दोनों देखी है। उससे बेटर है? अरे ये मजदूर का हाथ है खा दिया, जिसको मरेगा वो उठेगा नहीं, उठ जाएगा उठ जाएगा। मैम कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी। अच्छा जो आप सोच का है तो वो उम्मीदों पे खड़ी उतरी या फिर नहीं? उससे भी ज्यादा अच्छी। उससे भी ज्यादा मूवी है। 22 साल के बाद में मतलब पूरी सारी यादें ताजा कर दी तारा सिंह जी ने। अच्छा सनी पाजी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। जब वो हेडपंप उखाड़ने आते तब का दृश्य कैसा रहा? अरे तब तो सारे पाकिस्तानी एकदम से डर गए थे, उनको लगा कि फिर से किसी और को मारेंगे। अच्छा वो भीड़ में चले गए। अच्छा इस मूवी के अंदर गाना है मैं निकला गड्डी लेके, तो वो गाने पे दोनों बाप बेटे की बाउंडिंग कैसे लगती है? बहुत शानदार अल्टीमेट अल्टीमेट है ना। और मूवी के जो डायलॉग्स है कि अगर आज भी मौका मिले पाकिस्तान को हिंदुस्तान में बसने का, बिल्कुल बिल्कुल, तो पाकिस्तानी लड़कियां तो बोल चुकी है कि हम हिंदुस्तान आना चाहती है और हिंदुस्तानी लड़कियों से शादी करना चाहती है। अच्छा बोल चुकी है। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिल्म बहुत इंटरटेनिंग, बहुत बहुत शानदार। अच्छा, बहुत शानदार। इस मूवी के अंदर जो एक्शन सीन्स है, एक्शन सीक्वेंस है, वो कैसे? अरे वो तो सर बहुत धमाकेदार है। मतलब पिछली बार तो हेडपंप उखाड़ था, इस बार तो पाजी ने खम्बे उखाड़ दिया, पोली उखाड़ दिया है। अच्छा और इतना मारा है कि पाकिस्तानी याद रखेंगे। क्या लगता है जब गदर 3 आएगी तो इससे तगड़ा रिस्पांस रहेगा? सर इससे ज्यादा रहेगा, इससे ज्यादा रहेगा, ज्यादा मिलना चाहिए, इससे ज्यादा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस मूवी के अंदर और क्या खास लगा आपको जो मतलब बच्चों को जानना चाहिए? सर परिवार के लिए मतलब एक बाप बेटे का जो प्यार बताया है, मतलब एक पिता के प्यार के लिए बेटा पाकिस्तान चला जाता है और फिर पिता को पता चलता है तो पिता भी उसके पीछे चला जाता है, तो मतलब बहुत अच्छी चीज है, पारिवारिक फिल्म है। मैं तो चाहूंगा कि आप सभी को आना चाहिए और देखना चाहिए, बहुत शानदार पिक्चर है। कैसी लगी मूवी? बढ़िया है। अच्छा जो सोच के आया था वो अच्छा था सब मूवी के अंदर? हाँ बिल्कुल। अच्छा सनी पाजी का काम कैसा? सनी पाजी का बढ़िया लगा। अच्छा लगा काम। इस मूवी के अंदर एक्शन सीन्स कैसे थे? एक्शन सीन्स पहले वाले से बढ़िया थे, पहले वाले से बढ़िया थे। और डायलॉग्स? डायलॉग भी अच्छे थे। 10 में से कितने स्टार देंगे? 10 में से 10 पर। सर कैसी लगी मूवी? एक गजब पार दी। अच्छा जो सोच का आया था वो मिला मूवी के? डबल से डबल। अच्छा बाप ने तो पहले आतंक मचाया था, बेटा आतंक मचा के आया? वो तो जी जाए बने हुए पाकिस्तान को। इस मूवी को कितने स्टार देना चाहेंगे 10 में? 100। सर कैसे लगी मूवी? एक बार सुपर मूवी, एकदम सुपर। सर कैसे लगी? बहुत बढ़िया, सुपर एकदम। क्या अच्छा लगा मूवी? उसमें का छोरे का रोल बहुत अच्छा लगा। अच्छा और उनकी वाइफ का? पाकिस्तान से, वो भी बहुत बढ़िया थी। सर किस पर लिया अब? सर कैसे लगी मूवी? सन्नी देओल ने जो काम किया आज तक ऐसा काम नहीं किया, बेस्ट। सुपर एक्टिंग, सुपर अल्टीमेट स्टोरी। क्या बात, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया लगा। मेरे को तो एक्शन लगा, एंड का एक्शन बहुत। डायलॉग्स अच्छे नहीं लगे? डायलॉग्स तो बहुत जबरदस्त लगे। तो पहली वाली गदर देखी है? देखी है, पर उसमें हैंडपंप ने उखाड़ा यार, तो पहले ही फट गई। उखाड़ा ही नहीं, नंबर टॉप क्लास की मूवी है भाई, जिसको बहुत मजा आया। रेटिंग मजा आ गया, हिंदुस्तान नारा लगा दो, हिंदुस्तान जय श्री राम। सर कैसे लगी मूवी? अच्छा सर। अच्छा सनी पाजी का काम कैसा लगा? सनी पाजी का बहुत मस्त है। और अमीषा पटेल? अमीषा का बहुत मस्त है। उत्तर शर्मा का काम कैसा लगा? उनका भी बहुत मस्त रहा है। मूवी बोर तो नहीं? कोई और नहीं। एक्शन अच्छा मूवी का? चलो ठीक है। सर कैसे लगी मूवी? बहुत बढ़िया भैया। क्या अच्छा लगा मूवी का? सर कैसे लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी। क्या क्या सोच के आया था और क्या क्या मिला? जो जो सोच के आए थे उससे बहुत ज्यादा ही मिला। ज्यादा ही मिला, बहुत ज्यादा मिला। सनी पाजी ने इस बार सबको मारा है, सबको पाड़ा है, सबको बहुत सारा। पूरे पाकिस्तान को डाला इस बार तो, पूरे पाकिस्तान को। हिंदुस्तान जिंदाबाद, सुपर डुपर हिट मूवी। और सनी पाजी? सनी पाजी तो दमदार, पाकिस्तान लाहौर को सब लेके आ गए। सर कैसे लगे? ब्लॉकबस्टर, बहुत अच्छा। गाने कैसे? गाने पहले हाफ में तो बहुत गाने ही गाने हैं। अच्छा और दूसरे हाफ में थोड़े कम गाने, लेकिन पहले हाफ में तो गाने के एल्बम भर दिए पूरे। अच्छा। लेकिन अच्छे लगे गाने, जितने भी बजे अच्छे रहे गाने, अच्छी थी मूवी, दो बार देखना। सर कैसे लगी मूवी? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। ये आपको रिकमेंड करेंगे हिंदुस्तान के लिए? हाँ बहुत बिल्कुल। क्या लगता है कितना कमाना चाहिए मूवी को? 500 करोड़। शाहरुख खान का रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए, 500 करोड़ कमाएगी मूवी। सर कैसे लगी मूवी? नंबर 1। क्या नंबर 1 था मूवी के ना? गाने, एक्शन, हर चीज परफेक्ट थी। परफेक्ट। मैम आपको कैसे लगी? बहुत बढ़िया। अच्छा मूवी के अंदर अमीषा पटेल है और उत्कर्ष शर्मा है, सनी देओल है, इन सब में से किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी? सनी देओल। सनी देओल। और मूवी के गाने अच्छे हैं? हाँ बढ़िया। अच्छा और डायलॉग्स कैसे लगे? डायलॉग्स तो गूज़बम्प्स आते हैं, वही आते हैं। अच्छा एक बात बताइए,
पब्लिक चिल्लाते कि नहीं चिल्लाती थिएटर के अंदर बिगनिंग से लेकर क्लाइमैक्स तक थैंक यू सर. कौन से चैनल पे? एवी बॉक्स ऑफिस. सर कैसे लगी? बहुत अच्छी है. जो सोच के आए थे वो मिला? सोच के उतना तो नहीं मिला पर अच्छी थी. अच्छी थी काफी. मजा आ गया भैया. मजा आ गया. क्या मजा आया? पाकिस्तान जा रहा हूँ. फर्स्ट पार्ट की मतलब कंपैरिजन में जो फर्स्ट हाफ था वो बहुत स्लो था. अच्छा, पर सेकंड हाफ जो था वो जो पूरी एंट्री वापस से सनी देओल की. अच्छा, वो वापस गदर फर्स्ट की याद दिला. अच्छा, मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस मूवी के ना बीच बीच में गदर बन के भी सीन बताया. हाँ, नहीं सीन नहीं, मतलब जो बाद में था ना वो बहुत ज्यादा इम्फेसिस था फर्स्ट वाले. फर्स्ट हाफ जो था बहुत स्लो था. बाकी हाँ वो कंसेप्ट तो है. मूवी के जो डायलॉग्स है वो ऑडियंस को कैप्चर कर पाते हैं? चिल्लाती है ऑडियंस? हाँ समा कई कई. बस वो जो नेशनलिटी जब थिएटर में ही आती है बच्चों को यंगस्टर को पर हाँ कर पाती है. उम्मीदों पे खड़ी उतरी है? हाँ 100%. थैंक यू सर. कैसे लगे? बहुत शानदार. संदीप बाजी ने रॉक कर दिया यार. बहुत मजा रॉक कर दिया. मूवी के गाने एक्शन में निकला गड्डी लेके बस सबसे बेस्ट. सबसे बेस्ट था. दोनों बाप बेटी की बाउंडिंग कैसे लगी? बहुत तगड़ी है. और अगला मतलब गदर 3 भी आने चाहिए तो और मजा आएगा यार. मजा तो आएगा. गदर 3 भी आएगी. हिंदुस्तान जिंदाबाद. हिंदुस्तान जिंदाबाद. सर कैसे लगी मूवी? बहुत बढ़िया. सर कैसे लगी मूवी? बहुत बढ़िया. आप किसके लिए आते? सनी पाजी के लिए या फिर उत्कर्ष शर्मा के लिए? सनी पाजी के लिए और अमीषा पटेल के लिए. अमीषा पटेल. दोनों की एक्टिंग शानदार थी? दोनों की एक्टिंग शानदार थी. बीच में जो पुराने सीन्स दिखाए वो बहुत बढ़िया थे. पुराने गाने जो पहले वाली मूवी में थे वो भी थे. रॉकिंग थी मूवी. मैम कैसे लगी मूवी? अच्छी लगी. अच्छा उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, सनी देओल, सब में से किसका काम अच्छा लगा? सनी देओल का. मूवी के अंदर कॉमेडी सीन्स भी आते हैं क्या? आते हैं पर खुद बनाने भी पड़ जाते हैं कभी. अच्छा, बाकी मजा तो आया ना मूवी. हिंदुस्तान जिंदाबाद. सर कैसे लगे? हिंदुस्तान जिंदाबाद. एक बार जोर से हिंदुस्तान जिंदाबाद. हिंदुस्तान जिंदाबाद. मैम कैसे लगे? बहुत बढ़िया. हिंदुस्तान जिंदाबाद. एक बार सब साथ में बोल दीजिए जय हिंद. हिंदुस्तान का बोलने में क्या शर्म है? जय हिंद. अच्छा अमीषा पटेल, सनी देओल, सब में से काम किसका अच्छा लगा? मूवी के अंदर एक गाना है मैं निकला गड्डी लेके, बाप बेटे की बाउंडिंग कैसी रहती है? गाना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. इस मूवी के अंदर कॉमेडी सीन्स आते हैं? और जो उत्कर्ष शर्मा की वाइफ रहती है इस मूवी के अंदर जिनको किडनैप कर लिया जाता है उनका काम कैसा लगा? मुस्कान. अच्छा लगा. ऑल अबाउट जो देखा जाए तो मूवी कहीं पे बोर तो नहीं कर रही ना? नहीं नहीं बहुत अच्छी लगी. 10 out of 10. सब देख सकते हैं साथ. सर कैसे लगे? बहुत जबरदस्त. सनी बाजी ने तो प्रेजेंट जीत लिया. अच्छा हेडपंप तो उखाड़ा नहीं. अरे खंभा वाला पहले ही बढ़ गया. सर कैसे लगे मूवी? अरे बहुत अच्छी रही मूवी. बहुत अच्छी रही. इस मूवी का फर्स्ट पार्ट देखा आपने? हाँ देखा था. उसकी एडवांस कहेंगे या फिर उससे लोग कहेंगे? अरे बिल्कुल सेम थी. मतलब इसमें तो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है लेकिन बहुत अच्छा किया है. उससे मजा आया ना मूवी का? बहुत मजा. 10 out of 10. सर कैसे लगे मूवी? अच्छा मैम कैसे लगी मूवी? अच्छा मूवी के अंदर एक गाना है मैं निकला गड्डी लेके, तो उसके अंदर जो बाप और बेटे हैं दोनों की बाउंडिंग कैसी बताई गई? बेस्ट थी मूवी के एक्शन डायलॉग्स, एक्शन सीन्स. एक्शन बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा था. मजा तो आता है ना. वेटिंग है. अच्छा.